कुछ ऐसी औरतों के बारे में जो किसी कीमत पे आपसे मेंटेनेंस नहीं ले सकती हैं, सही समय पे सही काम करने की जरूरत है। पहली बात तो ये समझें कि 125 सब क्लास 4 में साफ प्रावधानित है कि अगर पत्नी बिना किसी कारण से मायके में रह रही है, यानी कि मायके में रहने का स्पष्टीकरण वो कोर्ट को नहीं दे पाती है, वो मायके में रहने का उचित न्यायोचित तर्क कारण नहीं दे पाती है, तो वो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। दूसरी, अगर पत्नी आपकी एडल्ट्री में है और आपने ये साबित कर दिया, तो 100% ये मान के चलिए कि ऐसी औरत मेंटेनेंस लेने की बिल्कुल भी हकदार नहीं है। तीसरी बात ये कि अगर आपकी पत्नी वर्किंग है, नौकरी करती है या आपसे ज्यादा कमाती है, भले ही प्राइवेट सेक्टर में हो, तो ऐसी औरत भी मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। चौथी, ध्यान रखें कि ये ज्यादातर लोग हैरान परेशान होते हैं जो अमीर टाइप के लोग होते हैं, उनमें विवाद भी कह सकते हैं कि ज्यादा है, हालांकि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि भाई सारे अमीर लोगों में ही विवाद है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना है, लेकिन भाई आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आपने बहुत एजुकेशन ली, आपके पास बहुत पैसा है, फिर भी अगर एक दूसरे की मिसअंडरस्टैंडिंग को नहीं समझ पा रहे हो, इसको दूर नहीं कर पा रहे हो, तो फिर सारी पढ़ाई लिखाई सारा पैसा सब व्यर्थ है, बेकार है। तो ऐसी स्थिति में आपको बताएं कि चौथी या पांचवी जो भी हो, कि अगर आपकी पत्नी RTR फाइल करती हो, अर्थात इनकम टैक्स रिटर्न पे ही हो, इनकम टैक्स पे ही हो, तो ऐसी औरत भी मेंटेनेंस आपसे नहीं ले सकती किसी भी कीमत पे। अब पांचवी कि ध्यान रखें कि अगर आपके बीच कोई समझौता हो गया है, यानी कि कुल मिला के आपसी सहमति से दोनों अलग रह रहे हों, तो भी पत्नी मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। एक सवाल लोगों का बहुत होता है, छठवां में बताने जा रहा हूं कि क्या डाइवोर्स लेने के बाद भी पत्नी मेंटेनेंस ले सकती है या नहीं। तो ध्यान रखें कि डाइवोर्स लेने के बाद मेंटेनेंस ले तो सकती है, लेकिन अब सवाल यह है कि डाइवोर्स कैसा हुआ है, एक पक्षी हुआ है या म्यूचुअल हुआ है, यानी कि 13B फाइल करके, या एक नॉर्मल से पेपर पे सिग्नेचर करके डाइवोर्स हुआ है, या फिर आप समझें कि डाइवोर्स के बाद किसी और के साथ वो रह रही है, लिविंग में रह रही है, या किसी और से शादी कर लिया। तमाम ऐसी कंडीशंस होती हैं, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से लॉ को एडजस्ट किया जाता है, कानून का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान रखें कि डाइवोर्सी पत्नी भी मेंटेनेंस ले सकती है, लेकिन ध्यान रखें कि अक्सर जब बिना डाइवोर्स के मेंटेनेंस नहीं ले पाती हैं लोग, पत्नियां औरतें, तो फिर डाइवोर्स होने के बाद तो ना के बराबर ये कोशिश, ये मान के चलिए कि नहीं ले पाएगी चाहे जितनी कोशिश करें। लेकिन मैंने बताया ना कि डाइवोर्स के बाद कंडीशन क्या है, वो कहाँ रह रही है, किसके साथ रह रही है, मायके रह रही है, माने कि कुल मिला के उसकी लाइबिलिटी कौन जिम्मेदार है, उसका कौन देख रेख कर रहा है, या वो शादीशुदा हो गई है, किसी और से शादी कर लिया, तमाम ऐसी बातें ध्यान रखें। सातवां, अगर आपकी पत्नी है किसी और के साथ लिविंग में रह रही है, आपको मालूम है, या किसी से धोखे से शादी भी कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया या स्टाम्प पे कर लिया है, तो ऐसी औरत भी मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तो कहने का मतलब ये कि अगर पत्नी बिना किसी कारण से मायके में रह रही है, आप उसे रखना चाहते हैं, वो स्पष्टीकरण नहीं दे पाती है, तो भी वो मेंटेनेंस लेने की हकदार नहीं है। अगर अपना वो पालन पोषण, भरण पोषण, मेंटेनेंस, सिलाई कढ़ाई, तमाम ऐसी चीजों में निपुण है, तो भी वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती है। तमाम ऐसे जजमेंट हैं जो मेंटेनेंस केस को खारिज कर दिया गया, पत्नी को मेंटेनेंस देने से मना कर दिया गया है भाई।